बेटा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एक्सरसाइज नंबर 13.3 जो है इसके अंदर आपके थोड़ा बड़ा कॉन्सेंट्रेट करना है कि अगर आप लोग को शुरू में ये क्वेश्चन अगर प्रॉब्लम करेगा तो आगे प्रॉब्लम हो जाएगी, इसलिए आप लोग को शुरू से अगर पूरा ध्यान रखना है कि क्वेश्चन किस तरह से अपने को डील करना है इसको। तो एक हमारे पास बोल रहा है एन आर हैज फाइव ब्लैक और फाइव रेड, है ना, एक बैग के अंदर ना फाइव ब्लैक और फाइव रेड बॉल्स है, फाइव रेड एंड फाइव ब्लैक बॉल्स, ए बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम, कोई भी एक बॉल आप निकाल दें, इट्स कलर इज रोटेट एंड रिटर्न टू द वापस उसको इस बैग के अंदर डाल दें। और एक इवेंट क्या होती है कि जिस कलर की बॉल बाहर निकलती ना दो बॉल और एक्स्ट्रा उसमें डाल उसी कलर की। तो हमें फाइंड क्या करना है, वी हैव टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड बॉल सेकेंड टाइम, दूसरी बार जब बॉल निकाले तो रेड बॉल आने के चांसेस क्या। तो बेटा देखो फर्स्ट बॉल क्या क्या आ सकती है, ब्लैक भी हो सकती है और रेड भी हो सकती है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सेकेंड बॉल रेड, तो बी वन और एक आर में दो इवेंट रहे आप देखता हूं, बी वन मतलब गेटिंग फर्स्ट बॉल ब्लैक और एक हमारे पास हो जाएगा आर वन गेटिंग सेकेंड बॉल नहीं फर्स्ट बॉल रेड, आर टू हो जाएगा गेटिंग सेकेंड बॉल रेड। तो हमारे को सेकेंड बॉल रेड निकालने की प्रॉपर्टी फाइंड करनी है। तो इवेंट कैसे कैसे हो सकती है, हो सकता है आप फर्स्ट टाइम बॉल निकाले और कैसी बॉल आ जाए, ब्लैक आ जाए, सेकेंड टाइम रेड बॉल आने के चांसेस जबकि फर्स्ट टाइम हमारे पास कौन सी आ चुकी हो, ब्लैक बॉल आ चुकी हो। ये काम ऐसे भी हो सकता है फर्स्ट टाइम रेड बॉल आ जाए और सेकेंड टाइम अब रेड बॉल आने के चांसेस जबकि फर्स्ट टाइम रेड बॉल आ चुकी हो। बेटा ध्यान से देखो बी वन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी वन, बी वन मतलब क्या है, फर्स्ट टाइम आपके ब्लैक बॉल, फर्स्ट टाइम ब्लैक बॉल आने के चांसेस हैं 5/10। अब हुआ क्या है ध्यान से देखना, अब इसको हमने ब्लैक बॉल को देखा वापस इसी बैग में डाल दिया और दो बॉल और एडिशनल ब्लैक डाली है तो टोटल बॉल कितनी हो गई, 12 हो गई और रेड बॉल निकाली तो रेड बॉल तो नहीं डाली थी ना एक्स्ट्रा, तो रेड तो उतनी है। इस केस में देखो कैसे हुआ था, जैसे हमारे पास सामने आपने क्या किया, ये फाइव ब्लैक और फाइव रेड तो थी आपके पास में, आपने फर्स्ट केस में क्या किया प्लस कितनी की, टू ब्लैक बॉल्स प्लस कर ली थी आपने, देख के अंदर डालो ना, तो रेड तो कितनी रही इसमें 5 ही और टोटल कितनी बन गई 12, तो दो एडिशनल बॉल उसी कलर की डाली जिस कलर की पहली बॉल निकली थी, तो इसको हम जाएंगे 5/12 प्लस नेक्स्ट टाइम क्या हुआ, फर्स्ट टाइम मुझे कौन सी बॉल मिली रेड बॉल और रेड बॉल होने चांस कितने 5/10, इस बैग के अंदर कितनी बॉल्स है टोटल रेड है, रेड है उसमें 5 है, अब हुआ क्या इसके अंदर, कुछ ऐसा केस हुआ देखो आप 5 ब्लैक और 5 रेड है, बॉल कौन सी निकली हमारे पास रेड बॉल, इसको तो हमने डाला ही है साथ में दो एडिशनल रेड बॉल मैंने डाल दी तो टोटल बॉल्स कितनी है 12, सेकेंड टाइम रेड बॉल आने के चांस कितने हो गए 7, क्योंकि 5 तो ऑलरेडी थी 2 हमने एक्स्ट्रा डाली, पहली बार क्या ब्लैक डाली थी तो रेड बॉल आने के चांस कितने रहे 5 ही रहे, बट इस बार क्या हुआ रेड बॉल्स इंक्रीज हो गई
तो उसके आने के चांस बढ़ गए, अब 7 फेवरेबल केस हो गए इसके। अब आपके पास देखो इसको सिंप्लीफाई करने का रास्ता देखते हैं, तो 5 × 5 = 5 / 24 प्लस ये 2 ये 7 / 24 2 पे भी आ सकता है, ये दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है, बहुत ढंग से करेंगे आप इसको। बेटा क्वेश्चन नंबर 2 में 2 बैग्स है मेरे पास में और इसमें बॉल्स हैं 4 रेड और 4 ब्लैक, इसमें 2 रेड और 6 ब्लैक। बेटा अभी तक अपन क्या करते थे, इस बैग में से रेड आने के चांसेस या इसमें से ब्लैक आने के चांसेस, ये वाली प्रॉब्लम निकालते थे। बट इसमें थोड़ा देखना कि बॉल तो अपने हाथ में आ चुकी है, अब हमारा क्या करना है, कौन सी फर्स्ट बैग से आई है इसके कितने चांसेस है, फर्स्ट बैग से आई है इसके कितने चांसेस है, यानी थोड़ा उल्टा, यानी क्या बेस डाल, यानी कौन सा होगी बेस डाल। अगली बात समझ में, तो ये थोड़ा सा मतलब कैसे करते हैं सॉल्व बहुत ध्यान से देखिए, ये हमारे पास है फर्स्ट बैग और ये मेरे पास है सेकेंड बैग। तो अगर आपको बॉल निकालनी तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, E1 सिलेक्टिंग फर्स्ट बैग और E2 का मतलब ये हो जाएगा सिलेक्टिंग सेकेंड बैग। तो PE1 तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सेकेंड फर्स्ट बैग कितना हो जाएगा 1/2, दो ही बैग है, और E2 का कितना हो जाएगा बेटा 1/2। अब हमारे पास A का मतलब है गेटिंग रेड बॉल, रेड बॉल का आना, अगर आपने फर्स्ट बैग सिलेक्ट किया है तो रेड बॉल आने के चांस कितने होंगे, A/E1 का मतलब क्या होता है, E1 यानी ये काम हो चुका है, यानी E1 का काम, E1 का मतलब क्या था, सिलेक्टिंग फर्स्ट बैग, पहला बैग सिलेक्ट कर दिया, अब रेड बॉल आएगी इसके कितने चांस है, इसमें 4/8। अच्छा इधर देखो आप, आपने सेकंड बैग सिलेक्ट किया है और अब रेड बॉल आने के चांस कितने, टोटल 8 है, क्लियर। आपको निकालना क्या है, रेड बॉल आपके हाथ में आ चुकी है, अब आपको ये निकालना है कि जो फर्स्ट बैग से आई है इसके कितने चांसेस है, कितनी प्रोबेबिलिटी है ये फर्स्ट बैग से, उसके लिए आप इनको ऊपर E1 लिख देंगे और फिर बेस था, बेस पर क्या थी लिखने का तरीका देखो बेटा, A/E1 × PE1 × A/E1 + PE2 × PE2 × PE2 वैल्यूज में अब आप सॉल्व करके लिखें, बोले कैसे लिखें, क्यों आता है 4 × 4 = 1/2, ये हमारे पास कितनी हो जाएगी 1/4, ठीक है ना। तो E1 की वैल्यू कितनी है 1/2, A/E1 की वैल्यू कितनी है 1/2, 1/2 × 1/2 प्लस इसकी वैल्यू 1/2 × A/E2 कितना हुआ 1/4, क्लियर। सिंप्लीफाई कर लो आंसर आ जाएगा, ये तो 1/4 हो गया, ये 1/4 प्लस कितना हो गया बेटा 1/2 × 1/4 तो कैंसिल हो जाएगा कॉमन आके, तो फाइनल कितना मिला 1/1 + 1/2 या 3/2 और 2/3, यानी कि रेड बॉल फर्स्ट बैग से आने के चांस कितने हो गए 2/3। वेरी गुड क्वेश्चन है ना, वो अच्छा क्वेश्चन है बेटा। क्वेश्चन नंबर 3, दो चांस है बेटा इसमें, E1 स्टूडेंट रिसाइड इन हॉस्टल, E2 मतलब वो डे स्कॉलर है, तो ये कॉलेज है जिसके अंदर दो तरह के स्टूडेंट है, एक तो अंदर हॉस्टल में रहता है और एक डे स्कॉलर। तो आपके PE1 जो हॉस्टल में रहते हैं
और पीई टू एम की प्रॉपर्टी तो दे रखा है, क्या दे रखा है इसमें कितने परसेंट है, 60% डिसाइड इन हाउस 60 अपॉन एंड 40% का रहता है बाहर से आता है, ये 40% ठीक है ना। अब इनमें से क्या साल के एंड में ग्रेड अनाउंस होता है, ए ग्रेड का स्टूडेंट है ना, तो गेटिंग ग्रेड ए, अगर प्रीवियस डेटा ये कहते हैं अगर स्टूडेंट कहाँ का है हॉस्टल का है और ए ग्रेड आ जाएगा इसके लिए चांस है, ए काम हो जाएगा इसके लिए चांस है, बोलो 30% है कहते हैं 20% है, 30% है कि वो 30% चांस ये है कि वो उसको ग्रेड ए मिलेगा कि हॉस्टल में रहता है, और अगर वो डी स्कॉलर है यानी ए टू अपॉन में आएगा बेटा और उसको अब तो कितने चांस है 20% क्लियर। अब अनाउंसमेंट हो चुका है ग्रेड ए का, मुझे ये पता लगाना है कि हॉस्टल का पास के कितने चांस है पी वन, तो क्या लगेगा बेस पर अकॉर्डिंग टू बेस पर क्या हो जाएगा, इसको रिवर्स लिखते हैं ना ए अपॉन ई वन, याद कैसे रखेंगे ध्यान दीजिए आपने ई वन इंटू ए अपॉन ई वन प्लस ई टू इंटू ए अपॉन ई टू, ये हमारे पास पी वन कितना होगा बताओ, देखो लिखे 0.6 लिखो या ऐसे लिखते हैं, ऐसे क्यों लिखते हैं, ये हमारे कट कर दो 0.6 यहाँ पर इसको कट कर दो 0.4 और यहाँ पर कितना आ जाएगा 0.3 और ये आ जाएगा 0.2, वैल्यूज पुट कर देंगे पी वन कितना है 0.6, ए अपॉन ई वन कितना है 0.3, ये 0.6 इंटू 0.3 प्लस 0.4 इंटू 0.3, कैलकुलेट करो देखें 6 3 18 0.18 0.18 प्लस 0.8 हाँ बोलो वापस बोलो 0.8 बेटा डेसिमल है ना ध्यान रखो 0.18 अपॉन इसको कैलकुलेट करो बराबर कितना आएगा भाई, अरे 18 और 8 कितना होता है 26 तो 0.26। अब आप इसे डेसिमल हट गया सर 26 18 पॉइंट डेसिमल हटा दो 26 हो गया, अब 2 से कट कर दो 9 और ये 13, 9 अपॉन 13 प्रॉपर्टी है कि वो पर्सनल का स्टूडेंट है, क्लियर एनी डाउट बेटा। देखो क्वेश्चन नंबर 4, दो चांसेस है इवन ए स्टूडेंट, कोई स्टूडेंट जो जवाब देता है ना क्वेश्चन का तो दो काम हो सकते हैं, तो तुक्का मार रहा हूं या वो आंसर जान रहा हूं, तो इन आंसरिंग ए क्वेश्चन ऑन ए मल्टीपल चॉइस टेस्ट ए स्टूडेंट आइदर नोज द आंसर और गेस, या तो आंसर जानता है या वो गेस कर रहा है, 3/4 बी द प्रोबेबिलिटी दैट ही नोज द आंसर, आंसर जानता है उसके कितने चांसेस है 3/4, तो प्रॉबर्टी ऑफ इवन इज 3/4, तो नहीं जानता है तुक्का मार रहा है उसके कितने चांसेस है 1/4, क्यों तुक्के सही भी हो जाते हैं ना, तो ए का मतलब यह मान लेते हैं आंसर इज करेक्ट, आंसर इज करेक्ट, तो अगर कोई वन ए अगर कोई आंसर जानता है ठीक है ना, ये कार्तिक कहाँ रहता है ना, देखो एक बात सुनो फटाफट एड्रेस बता दिया क्यों, कि तुम जानते हो और तुम सही भी हो, तो जिस चीज को हम जानते हैं ना उसका आंसर वैसे क्या होता है करेक्ट होता है, आगे बात समझे, तो इसके चांसेस कितने होते हैं कोई क्वेश्चन में गिवन नहीं होगा, 100% प्रोबेबिलिटी होती है ठीक है ना, ये कहती होगी 100% होगी। अब आपके पास में आपने तुक्का मारा है गैस किया है और आंसर करेक्ट हो जाएगा, इसके कितने डेटा है आपके पास में 1/4 डेटा, प्रीवियस डेटा से अकॉर्डिंग है 1/4 आंसर करेक्ट हो गया। अब चेक करने वाले को सोच रहा है कि यार ये वास्तव में इसको आंसर जानता था इसकी कितनी प्रोबेबिलिटी है,
तो अब क्या करेंगे, बेस बराबर सारा ले लो आप, बस ये मुसीबत का साथ ही और फोर मार्क्स मिलने वाला है। इसके बाद जाएगा ये फोर मार्क्स, कभी कभी सिक्स में भी आ सकता है, ठीक है ना। तो फोर मार्क्स में बेस बराबर आपके दिलवा गई थोड़ी, इसलिए बहुत ढंग से इसको बोलना है और बेटा हमारे पास प्रायोरिटी ऑफ इवन 3/4 इंटू ए अपॉन इवन कितना 1, 3/4 इंटू 1 प्लस 1/4 इंटू ए अपॉन इंटू कितना है, दोनों 1/4 है देखो, है ना। तो सॉल्व करो, ये मेरे ख्याल से अपॉन 4 अपॉन 4 थे 1 बना दो, 3 प्लस ये 1, एक फोर तो कॉमन आके कैंसिल हो गया। अब कैलकुलेशन करो, 3 13/4 ऊपर चला जाएगा 12/13, कितनी प्रोबेबिलिटी होगी इसकी 12/13। एनी डाउट? बहुत अच्छा क्वेश्चन था।